₹100 का जो है टीका लग गया है। मैडम के साथ जो है अपना अनुभव। आज का टूर है कर्ण प्रयाग का और बारिश हो रही है हल्की हल्की, और साथ का मौसम निकल जाने के बाद में अभी भी बारिश का रेगुलर सीजन चल ही रहा है। पहुंच गए हैं मोहन खाल 32 जोशीमठ 135। ये है छोटी सी मार्केट मोहन खाल। अब आएगा आगे पोखरी। पोखरी के बिल्कुल पास में और यहाँ पे है व्यू पॉइंट। यहाँ पे है या थोड़ा आगे आगे है शायद। थोड़ा पोखरी 3 किलोमीटर देव खाल 38 रुद्रनाथ 101। यो है पोखरी मार्केट, यो है पोखरी का व्यू पॉइंट। तो थोड़ा सा नजारे लेंगे फिर चलेंगे। नगर पंचायत पोखरी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये है पोखरी मार्केट। पहुंच गए हैं पोखरी मार्केट और यहां से दूरी है लगभग 28 किलोमीटर के हेर फेर में कर्णप्रयाग का, और आज जाना है कर्णप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे सिमली। जाना पाडली तक है पर सिमली तक का चल करेंगे, सिमली मंदिर में जाएंगे आज। जब आए हुए हैं तो कुछ कुछ ना कुछ देख के जाएंगे और फिर कर्णप्रयाग में कर्ण मंदिर भी जाएंगे आज। ये आज बनेकधार पोखरी मार्केट, यहाँ से गोपेश्वर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को, सीधा चला जाएगा कर्णप्रयाग। नमस्कारम, बधाई हो। ये है कर्णप्रयाग रोड और यहाँ से कर्णप्रयाग की दूरी है 28 किलोमीटर। नागनाथ स्वामी मंदिर 3 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 26, गोपेश्वर 65। और ये नीचे जो रोड जा रहा है राइट हैंड साइड को, ये जा रहा है मेन मार्केट। मेन मार्केट ही चलें या चल, मेन मार्केट चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आते हैं, फिर करते हैं कर्णप्रयाग की जर्नी स्टार्ट। ब्रेकफास्ट वाला कोई, ये है हालत बैंकों की, यहाँ भीड़ बकरी की तरह भीड़ लगी हुई है। SBI बैंक पोखरी डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड। मास्क लगाया हुआ है सबने और एक दूसरे पे चिपके हुए हैं। हो गया है ब्रेकफास्ट कंप्लीट, है मेन मार्केट पोखरी। चलो अब चलते हैं कर्णप्रयाग की साइड। रोडों के वही हाल, मार्केट आएगी तो कंजेस्टेड एरिया हर जगह, चाहे कहीं भी चले जाओ, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो पॉपुलेशन नहीं थी तो रोड़े सक्रिय बनाएगी, और धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई जिसके कारण आज हर मार्केट सक्रिय है। मार्केट सक्रिय नहीं है, रोड़े सक्रिय हैं, मतलब मार्केट तो बहुत बड़ी होगी। आगे से जो लेफ्ट जाएगा या सीधा जाएगा वो जाएगा रुद्रप्रयाग, और हम हो जाएंगे यहाँ से राइट जहाँ वो कार जा रही है। तो ये हम हो गए राइट, ये चलो कर्णप्रयाग। ये सारी जो गाड़ियाँ नजर आ रही टैक्सी गाड़ियाँ हैं, सोमो हो गया, मैक्स, बुलेरो पिकअप नहीं बुलेरो, तो ये सारी कर्णप्रयाग के लिए सवारी गाड़ियाँ हैं।
यहाँ से, क्योंकि इस रोड पे बस नहीं चलती है, इस रोड पे चलते सिर्फ छोटी गाड़ियाँ। और आगे से जा रहे हैं सती जी और हम सती जी के पीछे पीछे, और रोड काफ़ी कंजस्टेड है ये वाली भी। सिंगल कार के बाद एक बाइक जाने की तक की जगह नहीं है, तो ये एक दूसरे का आह्वान करते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए रोड पे चलते हुए भी, पता नहीं क्यों। ये हिसाब किताब ना मैंने पहाड़ों में ज़्यादा देखा, कोई इंडिकेटर नहीं कुछ नहीं, बस जहाँ मन किया वहाँ घुसेड़ दो, और अगर गाड़ी लग जाए किसी की तो फिर उसका गृहवान पकड़ो, बस यही है। तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आह्वान देते हैं रोड पे चलते हुए। यार लगाएं क्या है? रुक जा, इसको लगाते हैं, ये जो निकल रहा है ना फुटरेस्ट, रुक जा, और चेन भी टाइट करो भाई। टाइम लगा क्या? चेन टाइट करनी है या नेट लगाना फुटरेस्ट पे? क्या बोले, हो जाएगा? कर दो भाई जल्दी यार, थोड़ा दूरी ज़्यादा तय करनी है ना, इसलिए कह रहे हैं। अपना घर है उस पहाड़ी पे सामने, जहाँ रोड की कटिंग दिख रही है। सुबह बारिश हो रही थी, अभी बिल्कुल हल्की हल्की धूप खिल गई। कितने हो गए? चलो तो यहाँ पे जो है 200 रुपये का जो है टीका लग गया है। और एक्चुअली क्या था कि मैंने पहले ही बता दिया था भाई साहब जो पीछे बैठे हुए हैं, मेरे पास गाड़ी का ना इंश्योरेंस है ना ही पॉल्यूशन है। इनको अवेयर करने के बाद भी ये माने नहीं कि नहीं जी जाना ही है, तो हमने कहा चलो फिर आपके रिस्क पे चल रहे हैं। और 500 रुपये बताया मैडम ने, मैडम के साथ जो है अपना अनुभव अच्छा रहा, रिक्वेस्ट करने के बाद मैडम ने सिर्फ 200 रुपये का चलान काटा है अपना, तो इतना जायज़ है, चलेगा। फाइनली 200 रुपये पेमेंट करने के बाद, दिखाना वो पर्ची, दो दी थी ना इसी में, एक ही है। अच्छा एक ही है, तो दो पता नहीं काय के लिए दिए हैं, दो दिए हैं। ये ई चलान है ये, चलो ई चलान। वैसे मैं चलान कम ही कटवाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ अगर मेरे साथ ऐसा कभी होता है तो, मुझे अगर स्पेस मिलता है तो, वैसे भागना तो नहीं चाहिए पर क्या करें, मजबूरी है हर एक आदमी की, इनकी मजबूरी है चलान काटना, हमारी मजबूरी है भागना अगर मौका मिलता है तो, मौका नहीं मिलता तो फिर तो। भैरवनाथ जी का मंदिर है पोखरी कर्णप्याग मार्ग पे, और इधर से नज़ारे आएंगे अब गोचर मार्केट के। सामने नज़र आ रहा है गोचर मार्केट, और वो है हवाई पट्टी, और नीचे जो नीले कलर के टिन शेड हैं वो है रेलवे का काम चल रहा है, वो रेलवे स्टेशन बन रहा है वहाँ पे, तो बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है। आगे से रोड कट जाएगा जी गोचर के लिए, सीधा चला जाएगा कर्णप्रयाग, और राइट कटेगा गोचर, आदिबद्री 38, कर्णप्रयाग 16, पौड़ी 115 गैरसैण। तो ये जा रहा गोचर, ये वाला 65 है गैरसैण। सामने नज़र आ रही है अलकनंदा, और वो जगह का नाम है कालेश्वर, चमोली डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ ऑफिस, और इधर फिर से वो नीले टीन साइड लास्ट स्टॉपेज ट्रेन का, और ये है व्यू पॉइंट बना हुआ नया, पहले तो नहीं था ये, अभी बनाएंगे। इधर से कर्णप्याग स्टार्ट हो गया, और ये नीचे नज़र आ रहा है कर्णप्याग मार्केट, अलकनंदा और पिंडर का संगम वहाँ पे, मेरी आँखों के व्यू से, कैमरे के व्यू से पता नहीं कहाँ पे है। वन वे, नीचे वन वे, और ये टू वे, तो ये है NH 07, वो है पिंडर, ये है अलकनंदा, और ये है कर्णप्रयाग मार्केट, और वो है सामने कर्ण मंदिर, वहाँ भी जाएंगे। और ये है शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग जनपद चमोली, तो यही है व्यू कर्णप्रयाग का। 12:09 हो गया है और पहुंच गए हैं कर्ण नगरी कर्णप्रयाग, और उसके बाद हमें जाना सिमली वाली रोड पे, सिमली वाली रोड पे जाना है, सिमली तक ही जाना है। काम तो ऐसे सिमली से पहले है, पर जाएंगे सिमली मंदिर तक घूम के आएंगे, आगे सुरंग आएगी, जैसे NH 107 पे है वैसे ही इस लिंक रोड पे भी एक सुरंग है। ये आ गई सामने सुरंग,
कॉलेज गेट है, ये है कॉलेज गेट, और सामने अलकनंदा और पिंडर का संगम। ये आ गई सुरंग, उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी रुद्रप्रयाग की है, पर है ठीक ठाक है। और ये है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। और वो है फाइनल डेस्टिनेशन सबकी, ये है अलकनंदा नदी। बरसात हो रही है रेगुलर, जबकि बरसात का सीजन चला गया है, काफी उफान पे है नदी। आगे पुल से राइट लेते हैं तो ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग श्रीनगर देवप्रयाग ऋषिकेश, और लेफ्ट लेते हैं तो जोशीमठ बद्रीनाथ। इधर ही जाएंगे हम क्योंकि तेल डलवाना हमको, तेल कम है बाइक में, तो इधर तेल डलवाएंगे पहले, और यहाँ आगे से हम लोग हो जाएंगे लेफ्ट, सीधा जाएगा रुद्रप्रयाग श्रीनगर देवप्रयाग, और यहाँ से हमें लेफ्ट होना है कर्णप्रयाग के लिए। पेट्रोल पंप इस रोड पे है, ये हो गया ये लेफ्ट, और ये ऊपर वाला रोड है वन वे, ये सिर्फ आने का है, ये भी वन वे है। छोटी गाड़ियां कर सकती हैं बहुत ही नहीं, हमें चलना है इधर सीधा और लेफ्ट गए जोशीमठ साइड, पुल क्रॉस करते हैं। गैरसैन 48 और नैनीताल 189, और ये रोड जाएगा वन वे है, ये गोचर कणप्याग की साइड, कणप्याग में घूम के आना पड़ेगा, कणप्याग में तो चल ही रहे हैं। तो अब चले 5 किलोमीटर का सफर करना और उसके बाद फिर वापस आना इसी रोड पे घर। ये है अभी शिमली की ओर जा रहे हैं, और ये है पिंडर नदी, आज स्पेशली जाएंगे शिमली मंदिर में।
ये पहुंच गए जी शिमली। तो फाइनली पहुंच ही गए हैं। अंदर चलते हैं मंदिर में। बारह बज के 45 मिनट पर पहुंच गए हैं माँ राजराजेश्वरी मंदिर शिमली। और ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में हर जगह मौसम अच्छा रहता है। अभी जहाँ से आए हम लोग अपने घर से वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था, ठंड महसूस हो रही थी, जैकेट भी डाल के आए हैं साथ में। और यहाँ पहुँचे तो जितने भी नदी के किनारे क्षेत्र हैं ना वो सारे दिल्ली, अगर कोई दिल्ली का टेम्परेचर किसी को पता है तो वो अनुमान लगा सकता है क्या गर्मी होती होगी यहाँ पर, तो दिल्ली फेल है। तो ये है मंदिर का व्यू, पेंटिंग का भी काम चल रहा है। राजराजेश्वरी मंदिर है स्थित शिमली में, और शिमली स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कर्णप्रयाग से शिमली की दूरी है मात्र 5 किलोमीटर। और ये है पिंडर नदी के किनारे पे स्थित मंदिर, यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है। और अभी जाएंगे हम लोग पिंडर नदी में, ये रही पिंडर नदी नीचे इस साइड। सामने लिखा है गोविंद कुंड जाने का रास्ता, तो देखते हैं आज नदी किनारे भी चलते हैं। गौ सदन, अच्छा तो इधर भी गौशाला है नीचे। ये पंपिंग सेट है सामने, और ये है गौशाला, छोटी सी गौशाला है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, पता नहीं कितने मवेशी होंगे। ये पहुंच गए हम पिंडर नदी के किनारे, और सामने भी मंदिर है। उधर का रास्ता पता नहीं कहां से है पर वहां भी मंदिर है। नदी का बहाव तेज है आजकल, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे नज़दीक जाके, भरोसा नहीं। यहां पे जाएंगे, यहां पे सबसे कम पानी लग रहा है। ये व्यू है शिमली, राजराजेश्वरी मंदिर से नीचे उतर के, सीढ़ियाँ उतर के पिंडर नदी के किनारे पहुंचा जाता है। और ये नज़ारा है यहाँ का, और मंदिर रहा ये ऊपर। नदी अपने प्रचंड बहाव में बह रही है आजकल,